कि उसे लगता है कि वो डिजर्व करता है बेटर एंड इसलिए इस वजह से वो मंगल को इतना रिस्पेक्ट भी नहीं देता उसे लगता है ये तो बस का काम करती है घर पर नहीं लाते मसाला तो नया शो आने वाला है मंगल लक्ष्मी जिसमें आपको दिखेंगे नमन सो so, पहले नमन का करते हैं हम लोग Hello, नमन कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक हूँ so, सो कितने आप लॉन्च होने वाला कैरेक्टर हो, के, के बारे में जानना चाहते हैं जो आप इसमें करने वाले बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत ही <laughs> अलग ही लग रहे हो जैसे लग रहा है कुछ बिजनेसमैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले ऐसा लग रहा है नहीं आदित जो है वो एक आईटी इंजीनियर है एडुकेटेड स्मार्ट बंदा है Uh, अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और कहीं ना कहीं माँ के कहने पर वो मंगल से शादी करता है बिकॉज उसकी माँ को लगता है मंगल उसके लिए परफेक्ट वाइफ होगी बट आज शादी को करीब पंद्रह साल हो गए हैं और अदित इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वो इतना स्मार्ट है वो इतना इंटेलिजेंट है एंड कहीं ना कहीं मंगल वैसी नहीं है सो ही थिंक्स ही डिज़र्व्स अ बेटर वाइफ तो उसके लाइफ में ये एक फ्रस्ट्रेशन है कि उसे लगता है कि वो डिज़र्व करता है बेटर एंड इसलिए इस वजह से वो मंगल को इतना रिस्पेक्ट भी नहीं देता उसे लगता है ये तो बस घर का काम करती है बच्चे संभाल रही है खाना बना रही है इसमें बिग डील क्या है एंड कहीं ना कहीं मंगल इसको लेकर थोड़ी सी दुखी रहती है इसीलिए मंगल चाहती है कि जो उसकी छोटी बहन है लक्ष्मी उसके लिए जो लड़का हो वो उसे वो सम्मान दे वो रिस्पेक्ट दे वो प्यार दे एंड दिस इज़ द टैगलाइन अपने अनुभव से संवार संवारेगी मंगल लक्ष्मी की ज़िंदगी yes. इतने लंबे गैप के बाद इस शो के लिए हाँ बोलना ये आपके लिए भी एक जरूर बहुत बड़ा टास्क रहा होगा और क्यों आपको पसंद क्यों आया ये शो यार एवरीथिंग मतलब इस शो की टाइमिंग कलर्स uh, पे शो आ रहा है प्राइम टाइम शो था चैनल इज़ वेरी एक्साइटेड एंड फॉर मी ये रोल मैंने पे, कभी प्ले नहीं किया ऑलवेज प्लेड गुड बॉय गुड सन श्रवण कुमार चॉकलेट बॉय तो एज एन एक्टर आई ऑल्सो वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ एंड आई एज एन एक्टर यू हैव टू भी वर्स अटाइल आप एक ही चीज़ बार बार नहीं कर सकते सो फॉर मी एंड इट हैज़ अ लॉर्ड ऑफ लेयर्स दिस कैरेक्टर एंड आई आई वॉन्ट टू टेक अप दिस चैलेंज एंड एवरी थिंग इज वर्किंग फॉर मी तो मैंने बोला कि यार इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता इससे अच्छा कम बैक नहीं मिल सकता बिकॉज अब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे ऑडियंस क्या बोलेगी अरे न बनाया वही चॉकलेट ब्रॉय रोल कर रहा है ठीक है बट इस रोल में मैं बहुत नोटिस होने वाला हूँ दीपिका के साथ कैसा बॉन्ड है आपका एंड आप लोग कैरेक्टर में आने के लिए एक दूसरे का कितना सपोर्ट मिला है डेफिनेटली बहुत अच्छा बॉन्ड है मतलब पहला मॉक शूट मेरा दीपिका के साथ हुआ था एंड फर्स्ट डे से मतलब द फीडबैक दैट वी गॉट फ्राम द क्रिएटिव एंड द डायरेक्टर इज की वी सी अ ग्रेट केमिस्ट्री एंड ग्रेट वाइब जो मुझे भी लगा कि जैसा वाइब मेरा जब दीपिका के साथ शूट किया मैंने मॉक शूट आई न्यू कि हम दोनों ही को मिलने वाला है ये शो एंड उसके बाद हमारे वर्कशॉप्स हुए एंड वी बहुत हेल्पिंग ईच अदर इस कैरेक्टर को समझने में बिकॉज बहुत uh, मैंने ऐसा रोल नहीं किया और दीपिका ने भी ऐसा रोल पहले नहीं किया आई एस ऑफिसर प्ले करी थी पहले वहाँ से आज एक सकल होम वाइफ जो अपने पति के प्रेशर में आ जाती है तो डेफिनेटली वी बोथ आ हेल्पिंग इच अदर बिफोर एवरी सीन वी डू अड ऑफ रिहर्सल एंड आर डरेक्टर इज़ हेल्पिंग आस द क्रिएटिव आर हेल्पिंग आस घर पे आपके कैरेक्टर को बिकॉज कैरेक्टर में जाने के लिए भी खुद अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है घर पे कितना आप ये कैरेक्टर दिखा रहे हो अपने घर वालों को मैंने बस पहला एक दो दिन ट्राई किया था उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा लुक दिया आ, मैंने बोला छोड़ दो काम को काम की जगह रखते हैं घर पर नहीं लाते आई बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस ओके सो आज आपके बेटे का बर्थडे भी है और इंटरव्यूज भी कर रहे हो आप कितना मन कितना लग रहा है आपका बिल्कुल uh, नहीं लग रहा है honestly. मैंने आज छुट्टी ली थी बट बिकॉज ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये भी इम्पोर्टेंट था मुझे यहाँ आना पड़ा बट आई एम जस्ट वेटिंग जल्दी खत्म हो और फिर मैं जाऊँ अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करूँ सो शूट को कितने आपने अब तक शूट कर लिए हो आई थिंक हमारा आठ नौ एपिसोड का बैंक बन चुका है बिकॉज अच्छा टाइम था फर्स्ट टू मंथ्स जहाँ अच्छे से शूट करें ऐसा अच्छा नहीं कि हम बस टेलीकास्ट कर निकालने के लिए शूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम मिला एक अच्छे से सेट होने के लिए बिकॉज स्टार्टिंग में यू नीट टाइम सो फिल्म सिटी में ही आप शूट करने वाले हो ऑलमोस्ट सात साल के बाद आप करने वाले हो मतलब वो पहले फ्लैशबैक में जा रहे हो यानी आप क्योंकि पहले भी इतना काम कर चुके हो वो यादें ताज़ा हो रही है यानी हंड्रेड परसेंट ताज़ा हो रही है जब भी मैं कोई सेट पे जाता हूँ कोई लोकेशन पे जाता हूँ मतलब अरे यहाँ तो मैंने शूट किया हुआ है यहाँ मैंने ये शूट किया हुआ था यहाँ अरे यहाँ मेरा ये सेट था ऑफकोर्स बहुत सारी स्वीट मेमरीज़ है सो so, आज की पार्टी में क्या कितने लोग क्या इनवाइटेड है कहीं बाहर पार्टी हो रही है या घर पे करने वाले हो आप बेबी का बर्थडे नहीं नहीं एक पार्टी तो ऑलरेडी हो चुकी है वो अपने सारे स्कूल फ्रेंड्स को लेकर बाउंस बोल के एक जगह है वहाँ लेकर गया था आ, अभी जाने के बाद मैं देखता हूँ कितने बजे यहाँ से निकलता हूँ कहाँ घर पर होगी या विल जस्ट गो आउट फॉर फैमिली डिनर क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को जो ऑलरेडी एक्साइटेड है प्रोमो देख यही कि प्लीज देखिए हमारा शो कलर्स uh, पे आ रहा है ट्वेंटी सेवन फेबरी रात नौ बजे से इट्स अ फंटेस्टिक शो आप एक बार देखो एंड आई प्रॉमिस यू आप इस शो के साथ जुड़ जाओगे और आपको बहुत मज़ा आएगा थैंक यू सो मच नमन एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऐसे ही आपका शो सुपर हिट हो जाए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और आपके जबान पर माँ लक्ष्मी बैठी हो वैसे भी हमारे शो का नाम मंगल है मैं यही कहता हूँ जो भी हमारे शो, शो के साथ जुड़ा है उनकी ज़िंदगी में मंगल रहे और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे